आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी तोरी की सब्ज़ी। बहुत ही मज़े की बनती है और आजकल तो सीज़न है। अच्छी तोरी आई हुई है और ताज़ी तोरी आई हुई है, ज़रूर ट्राई करें और मज़ेदार सी तोरी 10 मिनट के अंदर अंदर बनाएं। चलें हौज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिसेस शेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिसेस शेब कुकिंग। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी तोरियों की सब्ज़ी बनाएंगे, जो कि हमने धो के एक टोकरी में रख ली हैं। अब इन्हें छील लेंगे। छीलने के बाद रेसिपी की चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं तोरियां काटने के बाद। देख सकते हैं तोरियां हमने छील के रख दी हैं। अब इनकी कटिंग कर लेंगे दरमियानी साइज़ की। इसी तरह गोल गोल काट लेंगे दरमियानी साइज़ की, ना ज़्यादा मोटी काटेंगे और ना ज़्यादा पतली काटेंगे। देख सकते हैं प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है। हरी मिर्चें 2 से 3 हमने काट ली थी, अब ये ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हरी मिर्चें हमने ऐड कर ली हैं। अब हम मसाले ऐड करेंगे, नमक, मिर्चें, मोटी मिर्चें, सुरख मिर्चें, हल्दी, तमाम चीज़ें एक साथ मिक्स कर लेंगे और ताकि मसाला भी हमारा अच्छे से भून जाए। भुनने के बाद फिर अब हम टमाटर ऐड करेंगे ताकि टमाटर भी भुनने हो और टमाटर अच्छे से हमारे गल जाए। अब टमाटर ऐड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं और कटिंग कर लिए हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटरों को। अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा सा भून लेंगे। भुनने के बाद ढक्कन रखेंगे ताकि 1 से 2 सेकंड के लिए टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं और मसाला हमारा ताकि रेडी हो जाए। देख सकते हैं मसाला हमारा अच्छे से तैयार हो चुका है। और मसाले को भूनते टाइम हमने दरमियान में 2 से 3 मरतबा पानी भी लगाया ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। अब देख सकते हैं मसाला हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम तोरियाँ ऐड करेंगे, जो कि हमने तोरियाँ कटिंग करके रख ली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम तोरियों को मसाला अच्छे से लग जाए और भून लेंगे। तोरियों की सब्ज़ी है, आजकल सीज़न है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ताज़ी तोरियां आई हुई हैं और ये सब्ज़ी बहुत ही मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करें कैसी बनी है कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यह आपकी तरफ से एक इनाम होता है, खुशी मिलती है कि वीडियो पसंद आने पे लाइक मिला है। तोरियां हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं और तमाम तोरियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम ढक्कन रख लेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तोरियों को पानी नहीं लगाएंगे, ये घी में जल्दी गल जाएंगे और बन जाएंगी। 10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन रख लेते हैं। मिलते हैं 10-15 मिनट के बाद। 10 मिनट गुजर चुके हैं, ढक्कन हम हटा देंगे और चेक करते हैं तोरियां। तोरियों ने अपना पानी छोड़ा हुआ है और तोरियां हमारी अच्छे से गल चुकी हैं। फ्लेम हम हाई कर देंगे। हाई करने के बाद थोड़ा सा ऐसे भून लेंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए और तोरियां हमारी मज़ेदार सी मसालेदार तोरियां हमारी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और इसी के साथ अभी देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और फ्लेम हम बंद कर देंगे और डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं मज़ेदार सी हमारी तोरी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब प्लेट में डालेंगे उसमें लाए रहमान और देख सकते हैं मज़ेदार सी सब्ज़ी रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसी बनी है। रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।